नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर में जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार कठुमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत टोढ़ा के रूपवास ठेकरी से हरिपुरा की ओर जाने वाले रास्ते से जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाकर बेटियां गौरव पट्टिका लगाई गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण को हटाया। कठुमर के भनोखर गांव में जनवरी माह को बदमाश 3.81 लाख रुपए से भरे एटीएम को उखाड़ कर लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में बहतूकला पुलिस जेल से प्रोडक्शन वारंट से दो बदमाशों को पूछताछ और बरामदगी के लिए लाई। और डीएसपी अशोक चौहान ने यह बताया है कि भनोखर के कठुमर मंडावर दौसा मुख्य रोड की एक दुकान के अंदर टाडा इंडिकैश कंपनी का एटीएम लगा हुआ था, जिसे बदमाश 7 जनवरी की रात शटर का ताला तोड़कर किसी वाहन से खींच कर ले गए थे। स्टेट जीएसटी की टीम ने चुड़ावा और झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी की आशंका में माल से भरे 4 ट्रकों को पकड़ा है। प्रारंभिक जांच में 10 लाख रुपए की कर चोरी बात सामने आई है। वहीं इनमें एक ट्रक तो पुराने ई बिल पर दोबारा माल ले जाकर जाते हुए पकड़ा गया, बाकी 3 बिना ई वे के बिल के ही माल को लेकर आए। कठुमर के बनोखर में ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर की ओर से नुक्कड़ नाटक कठपुतली शो का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक द्वारा संक्रामक रोगों के कारण उनके लक्षणों की रोकथाम तथा व्यायाम उपचार की जानकारी और नशा मुक्ति कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जयपुर के विनायका में राजस्थान वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया ने BS जाटवा को वुशु का प्रदेश संरक्षक नियुक्त किया। इस मौके पर भारतीय कोच राजेश ट्रेलर और सचिव ममता वर्मा ने नियुक्ति पत्र देकर माला और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जाटवा ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के लिए सदैव हित में मैं कार्य करूंगा। सांगानेर के सायपुरा में एमपी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर सोसाइटी में सोसाइटी अध्यक्ष एवं सांसद मनोज राजौरिया ने संस्थापक एवं पूर्व चेयरमैन डॉक्टर गिरेंद्र पाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर डॉक्टर अमर सिंह शेखावत, डॉक्टर केसी भिंडा, डॉक्टर एमएन माथुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कठुमर पंचायत समिति सभागार में सोशल ऑडिट का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ है, जिसमें ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के द्वारा ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर पुष्पा बंटी सैनी एवं संजीव ने प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मनरेगा कार्यों की जानकारी देना रहा। अलवर के बानसूर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा रास्ता खोलो अभियान चलाया गया। महनपुर और शाहपुर में रास्ते को जेसीबी मशीन की सहायता से खुलवाया गया। ग्रामीणों से समझाइश कर रास्ते को खुलवाया गया। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के इस अभिनव पहल की लोगों ने सराहना की है। अलवर के बानसूर में अभिभाषक संघ बानसूर अध्यक्ष राजेंद्र आर्य के नेतृत्व में अधिवक्ता गणों ने वाहन रैली निकाली। कार्यालय पहुंचकर प्रशिक्षु IAS एवं कार्यवाहक उपखंड अधिकारी दिया जामी को CM के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जुगराज के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की यहां मांग की गई। साथ ही एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू करने की मांग यहां की। अलवर के बानसूर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्ञानपुरा का वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि अलवर UIT के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत रहे। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के बस्सी कस्बे के गांव अखेपुरा में एक नीलगाय के बच्चे को 8 से 10 कुत्तों ने शिकार बनाकर जख्मी कर दिया। ग्रामीणों की सहायता से नीलगाय के बच्चे को बचाया गया। इस मौके पर कैलाश जी पंचोली, सुरेश काजला, पवन कुमार पंचोली आदि लोग मौजूद रहे। श्री श्याम वंदना परिवार पावटा ने श्री श्याम प्रभु का 26वां वार्षिक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान श्याम प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई गई, भक्तों की भारी भीड़ मौजूद रही। अलवर के राजगढ़ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उमंग 2023 वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। विधायक जौहरी लाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य राव सज्जन सिंह ने की है। महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। 5 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी हैं। सीकर जिले के लोसल कस्बे में जाट समाज के नेताओं ने पोस्टर का विमोचन किया। जाट महासभा के संरक्षक मोहन देगड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर के सांभर अभिभाषक समिति के सभी वकीलों ने अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में वकीलों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए वकीलों की सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। जयपुर के चौमू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 महीने से फरार गैंग रेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। सीकर के लोसल कस्बे में श्री श्याम प्रेम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित विशाल 12वीं भव्य पदयात्रा श्री श्याम बाबा मंदिर से शाही लवाजमे के साथ निकाली गई। यात्रा के दौरान बाबा श्याम का रथ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। जयपुर के गांधी पथ पर जेडीए व नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई। गांधी पथ रोड पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दुकानों मकानों को हटाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आए दिन सड़क पर लगता था अतिक्रमण के वजह से जाम। झलावाड़ के असनावर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सेवादल यंग ब्रिगेड नईम पठान और प्रदेश सचिव सुनील मीणा का स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से आतिशबाजी कर और माला साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के मनोहर थाना प्रभारी चेतन नरवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। सीकर में आशा सहयोगिनियों ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आशा सहयोगिनियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। मिनिमम मानदेय 18,000 का भुगतान की मांग की है। जयपुर के बस्ती के कानौता कैंप रिसोर्ट में कथा कहन के 30वें संस्करण का आगाज हुआ है। 3 दिवसीय आयोजन में प्रतिभागियों को कथा और उसके कहन की विभिन्न विधाओं से रूबरू करवाया जाएगा। कार्यशाला में कई प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। देश के नामी लेखक इस कार्यशाला में प्रतिभागियों से रूबरू भी हो रहे हैं। सीकर में बाबा श्याम के वार्षिक लखी मेले का आज 4वां दिन भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। 24 घंटे भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ केसरिया ध्वज लहरा गया है और साथ ही साथ मेले में करीब 30 से 40 लाख श्याम भक्त पहुंचे हैं। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा का खेडली कृषि उपज मंडी में स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर समाजसेवी पवन चौधरी, विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा, विधायक के सचिव वीरू बैरवा, एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर, डीएसपी अशोक चौहान का भी व्यापारियों ने सम्मान किया। सिकराय परियोजना के आंगनवाड़ी कार्मिकों ने मानदेय वृद्धि एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्य का बहिष्कार करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर धर्मवीर मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्मिकों ने नारेबाजी करते हुए उनके मानदेय में 20% वृद्धि नियमितीकरण करने की मांग की है। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। मथानिया कस्बे के हरिओम मार्केट में सैलून पर आए एक वृद्ध आदमी का मोबाइल चोरी हो गया। पीड़ित वृद्ध आदमी की रिपोर्ट पर मथानिया पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली के देसूरी में बाबा श्याम मुकेश कुमार राजपुरोहित ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल की है। देसूरी पंचायत समिति के आना ग्राम पंचायत के चारों विद्यालय में पढ़ने वाली 108 बालिकाओं के प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में अपने स्वयं के खर्चे से बालिकाओं के खाते खुलवाकर सभी बालिकाओं के 27,000 रुपये जमा करवाए गए हैं और अगले वर्ष की भी राशि जमा कराने की घोषणा की है, जिसको लेकर आना विद्यालय में पासबुक वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने और नशे से दूर रहने को लेकर भव्य पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तांबे के लोटों से जलपान व जूठन त्यागो महाअभियान सावों की धूम के साथ साथ ये मुहिम भी लगातार परवान पर है। महालक्ष्मी कटला फलौदी में मुरलीधर व्यास के सुपुत्र के विवाह समारोह में के प्रतिभोज में पर्यावरण सेवक एवं वरिष्ठ अध्यापक ओम प्रकाश कारासर, वरिष्ठ अध्यापक मोहन राम काली राणा,
मोरिया प्रधानाचार्य हेतराम सियाद के नेतृत्व में पर्यावरण टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की शर्त पर भव्य पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शनी लगाकर निःशुल्क निस्वार्थ भाव से ताम्रपत्र से जलपान कराया। जोधपुर के बालेसर में चोरों ने घर से 1.5 करोड़ की चोरी की है। 1.5 किलो सोना, 20 किलो चांदी, 14 लाख की नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, साथ ही ग्रामीणों ने चोरी का जल्द खुलासा करवाने की मांग की। जैसलमेर के फलसूंड में व्यापारी के साथ ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस थाने में ट्रक चालक के विरुद्ध ठगी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। लूणी के शिकारपुरा स्थित श्री राजेश्वर धाम के गादीपति महंत दयाराम महाराज का ग्रामीणों ने बोरा नाड़ा में स्वागत कर आशीर्वाद लिया। वहीं महाराज ने ग्रामीणों को प्रवचन देते हुए युवाओं को नशा मुक्ति से दूर रहने का आह्वान किया। बाड़मेर के सिवाना में सीएम गहलोत और प्रियंका गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने मामले में आरोपी सतपाल तंवर को एनसीआर से गिरफ्तार किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेजा गया। पाली के देसूरी में शॉर्ट सर्किट से सिंधरली सादड़ी सड़क पर बाबूदास के बेरे में आग लगी। खेत में कटी सरसों की फसल जलकर राख हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जालौर के सायला में जीवाणा स्थित चमत्कारी मां बायोसा माताजी मंदिर के प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध भजन गायक श्याम पालीवाल एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में चौराऊ निवासी गोवानी परिसर द्वारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया। जालौर में बजरी रॉयल्टी के कार्मिकों के वाहन को आग लगाई गई। अज्ञात लोगों ने बोलेरो कैंपर को आग लगाई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है। जोधपुर के लोहावट में ज्वेलर्स शॉप में अचानक आग लग गई। आग में सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी जलकर राख हुई। आस पड़ोस के दुकानदारों ने मिट्टी और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। दुकान मालिक के हाथ और पांव आग से झुलस गए। जोधपुर के फलौदी में ग्राम पंचायत लूणा और सुभाष नगर के ग्रामीणों ने पीसीसी सदस्य महेश व्यास का आभार जताया है। बंद ट्यूबवेल को चालू करवाकर भीषण पानी के संकट से निजात दिलाने पर स्वागत किया। जोधपुर रेलवे हॉस्पिटल में महिला रोगी के पेट से 2 किलो वजनी गांठ का सफल ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर नेहा तिवारी और उनकी टीम ने ऑपरेशन किया। जैसलमेर के नाचना में किशोरी बाल मेला में छात्राओं ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कस्बे स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि शर्मा ने कहा, बाल मेलों के आयोजन से बच्चों में सृजनात्मक सोच का विकास होता है। साथ ही मेले में करीब 1.5 दर्जन स्टॉल्स लगाई गई, जिसमें ज्ञानवर्धक बातें समझाई गई। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती लालाना ग्राम पंचायत स्थित सरला नाडा धाम पर ब्रह्म मुहूर्त में पंडित आचार्य अनु महाराज के वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज के सानिध्य में सती माता की मूर्ति की स्थापना की गई। वहीं पूजा अर्चना कर महाआरती भी की गई। जोधपुर के बिलाड़ा में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने थाने में आमजन के साथ बैठक ली है। आमजन ने कस्बे में होने वाली चोरियों के खुलासे की मांग उठाई। गश्त बढ़ाने, नफरी बढ़ाने जैसी समस्या के निजात की मांग उठाई गई। अपराधियों के खुलासे में अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। रेवदर उपखंड मुख्यालय के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में रेवदर विधायक जगसी राम कोली, उप प्रधान उर्मिला वैष्णव रेवदर, सरपंच अजबा राम चौधरी, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी पूनम सिंह सोलंकी, विद्यालय के प्रधानाचार्य के आतिथ्य में आयोजित किया गया कार्यक्रम। चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पंचायत समिति में हेम सिंह ने अतिरिक्त विकास अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया। श्रीगंगानगर कलेक्टर सौरभ स्वामी के आदेशों की पालना करते हुए हेम सिंह ने कार्यभार को ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रधान वीरपाल कौर और पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले सरपंच भी शामिल रहे। सरपंचों की ओर से पदभार ग्रहण करने पर गुलदस्ता भेजकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने 5G छूटी में 1 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक गौड़ ने सड़क विकास को लेकर कहा कि गंगानगर क्षेत्र में अग्रणी बनता जा रहा है।
चूरू के सुजानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बालिका और महिलाओं का 8 मार्च को सम्मान होगा। दिशा शेखावाटी संस्थान सम्मान करेगी। सचिव डॉक्टर अमृता चौधरी ने सेठिया नोहरा में समाज में योगदान देने वाली बालिकाओं और महिलाओं को मोटिवेट किया जाएगा। मुख्य अतिथि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बाबा श्याम जी के विशाल जागरण की तैयारी शुरू। वहीं सुरों के सम्राट कन्हैया मित्तल होंगे शामिल। कस्बे के डीके फैक्ट्री में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। भव्य कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। चूरू के सुजानगढ़ में एडवोकेट जुगराज चौहान की हत्या मामले में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। सुजानगढ़ अभिभाषक संघ के सदस्यों ने अध्यक्ष के नेतृत्व में रैली निकाली। वकील प्रोटेक्शन लागू करने की मांग को बुलंद किया। इसके बाद एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद निहाल चंद और जिलाध्यक्ष आत्माराम तरज ने पचका पहनाकर भाजपा में उन्हें शामिल कराया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका में चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हो रही है। कालवा ने 4 निर्दलीय पार्षदों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सिवरेज घोटाले को लेकर विवादों में घिरे चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाएं चल रही है। बीकानेर में टीटीई ने ईमानदारी का परिचय देते हुए रेल में पड़े पैसे से भरे बैग को संबंधित यात्री को लौटाया। दिल्ली सराय रोहिल्ला से रतनगढ़ गाड़ी में यात्रा कर रहे मांगीलाल जल्दी में अपना बैग सीट पर भूल गए थे। सुराना बीकानेर पहुंचकर सीटीआई चौहान ने अपना बैग लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। बीकानेर शहर के गंगाशहर थाना इलाके में ईरानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका बनी है। 2 दमकलों की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। वहीं आग लगने से भारी मात्रा में गत्ते भी जल गए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में पंचायत समिति में हेम सिंह ने अतिरिक्त विकास अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान प्रधान वीरपाल कौर और पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले सरपंच शामिल रहे। पदभार ग्रहण करने पर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। बीकानेर में राजस्थान प्राथमिक विद्यालयों में लेवल 1 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा शुरू हुई। नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई। श्रीगंगानगर में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर पहले दिन 2 पारियों में 37 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई। वहीं परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने पेपर को अच्छा बताया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा। बाबा खाटू श्याम के भक्तों के द्वारा निःशुल्क घर घर जाकर जागरण किया जा रहा। फाग उत्सव 6 मार्च तक चलेगा। रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत 30 PS बिशनपुरा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिले की दूसरी चिरंजीवी पंचायत बनी। ग्राम पंचायत के सरपंच विनोद डेलू के सहयोग से 34 परिवारों का स्वास्थ्य बीमा करवाया गया। प्रधान सुनीता गुदारा और IAS गुंजन सिंह ने पंचायत के जन प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को बधाई दी। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने 5G छोटी में 1 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में स्वीकृत 5G छोटी से 9A छोटी तक 90 लाख की लागत से बनने वाली 2.8 किलोमीटर लंबी सड़क और 3G में विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष इश्वजीत अवि सिंह दानेवालिया ने हनुमानगढ़ प्रवास पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनको श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर भेंट की गई। पुलिस की ओर से कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त निकाली गई। श्रीगंगानगर जिले के नवनियुक्त SP परेश देशमुख के आदेश पर श्री विजयनगर SHO रामचंद्र कसवा की अगुवाई में गश्त निकाली गई। गश्त के दौरान हथियारबंद पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक ने नगर परिषद कार्यालय में लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए, जिसमें कच्ची बस्ती स्टेट ग्रांट 69A फ्री होल्ड आवासीय एवं व्यावसायिक आदि प्रकार के पट्टे वितरित किए गए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में LPG सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनूपगढ़ क्षेत्र की महिलाओं को LPG सुरक्षा को लेकर जानकारी भी दी गई। महिलाओं को LPG में बरतने वाली सावधानियों को लेकर की भी जानकारी दी गई।
चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों। राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की सत्र 2022-2023 की खंड स्तरीय सत्रांत वाक पीठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गजपुर के सेठ चंपालाल सागरमल कोठारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। घाटवाल उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरवाली में विकास कार्य हेतु से उग्राशि की प्रदान। नरवाली निवासी सिकंदर मोहम्मद ने अपने माता पिता की स्मृति में 1,25,000 की सहयोग राशि को प्रदान किया। बांसवाड़ा के घाटोल में राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम में विकास अधिकारी प्रभुलाल डामोर, तहसीलदार हाबूलाल मीणा सहित अन्य मौजूद रहे। बांसवाड़ा से शिक्षक ग्रेड प्रथम और द्वितीय के लिए परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को रोडवेज द्वारा पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं करने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थी स्टैंड पर खड़े रहे लेकिन बसों की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। राजसमंद के आमेट उपखंड के शंभूपुरा गांव में बीती रात एक पैंथर ने पशु बाड़े पर हमला कर दिया। करीब 12 फीट की दीवार कूदकर भेड़ों को अपना शिकार बना लिया। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी ने अपने आवासीय क्वार्टर में पंखे से फंदा लगा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने सूचना दी। इसके बाद राजतालाब थाना अधिकारी रूप राम मीणा मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में विद्यावारती द्वारा संचालित स्थानीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर और मुख्य अतिथि रत्नी देवी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रणसागर तालाब के पास एक निजी बस और बाइक की टक्कर मामले में घायल जीजा की मौत हो गई। घायल जीजा ने उपचार के दौरान दम तोड़। बांसवाड़ा में युवा सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि व्यक्ति प्रतापगढ़ के लालपुरा का निवासी था। बांसवाड़ा में शादी में शामिल होने के लिए वो गया था। बांसवाड़ा जिले से रीट की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों से रोडवेज प्रबंधन द्वारा टिकट मांगने पर परीक्षार्थियों में रोष पनप गया। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के सरकारी निवास के सामने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र नवाखेड़ा निवासी एक 18 वर्षीय युवती शीला पुत्री कांतिलाल ने घरेलू विवाद और अन्य कारणों के चलते विषाक्त का सेवन कर लिया। युवती को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। तलवाड़ा पंचायत क्षेत्र के गोडी ग्राम में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई भरत के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया जिससे बड़े भाई के सिर में गंभीर रूप से चोटें आई। राजस्थान गौ सेवा समिति और समस्त गौ भक्त मंडल की ओर से पथमेड़ा धाम के गौ ऋषि दत्त शरणानंद महाराज के सानिध्य में यात्रा का आयोजन हो रहा है। श्री वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर में भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ने के मामले में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की। उदयपुर में शिक्षकों ने वरिष्ठता पात्रता सूची में हो रही देरी को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ के बैनर तले शिक्षकों ने संयुक्त निदेशक कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उदयपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न समाजों से आए समिति सदस्यों से विस्तार से चर्चा की। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को राज्यपाल द्वारा धन्यवाद बैज से सम्मानित किया गया जिस पर जिले के खिलाड़ियों और खेल विभाग के प्रशिक्षकों द्वारा उपरना ओढ़ाकर और बुके भेजकर अभिनंदन किया गया। राजसमंद के आमेट में पैंथर ने आतंक मचा दिया है। दो भेड़ों को शिकार बनाया। परेशान ग्रामीण वन विभाग से पिंजरा लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुपड़ा में एनपीसीआईएल द्वारा स्थापित डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ हुआ है। एनपीसीएल के धवल पंड्या ने शुभारंभ किया। बांसवाड़ा में होली के अवसर पर डायलाब मार्ग पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में महिलाओं ने फाग उत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर वी क्लब की अध्यक्षा विनीता शर्मा की सानिध्य में विभिन्न संगठनों की महिलाओं द्वारा फाग उत्सव मनाया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अपराधी को गिरफ्तार किया।
प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीटी कॉलेज में दो दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। बड़ी संख्या में कॉलेज विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड्स ने इसमें भाग लिया। प्रतापगढ़ के नए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार छोटी सादड़ी वो पहुंचे। नवनियुक्त एसपी अमित कुमार के छोटी सादड़ी थाने में पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डूंगरपुर के साकवाड़ा थाना क्षेत्र में एक क्रूजर जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। उदयपुर के गोगुंडा कस्बे के बस स्टैंड स्थित भगवान रामदेव जी मंदिर पर कचेलिया तेली समाज की ओर से धूमधाम से ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के रतनलाल तेली ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम से पहले मंदिर परिसर में हवन किया जाए। उदयपुर के सारा थाना क्षेत्र के ढिकोजा गांव में जमीनी विवाद के चलते आधा दर्जन लोगों ने एक महिला पर ताबड़तोड़ पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, बेहोश हो गई। परिजनों द्वारा बेसुध हालत में सारा अस्पताल लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है। गोगुंडा उपखंड क्षेत्र के तिरौल और करदा के लोगों ने तिरौल और करदा को गोगुंडा तहसील में ही रखने की मांग की। इसको लेकर उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौर को लोगों ने ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बार एसोसिएशन की मांग का सरपंच संघ ने भी समर्थन किया है। कपासन में एडीजे कोर्ट खोलने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। और चलिए अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। रामगंज मंडी के नियामत खेड़ी गांव में सरकारी स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रामगंज मंडी के खैराबाद कस्बे से निकल रहे स्टेट हाईवे 9B पर सीसी सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा बार बार कार्य बंद करने से जाम के हालात बने रहे। कोटा में उद्योग केंद्र में ना क्लस्टर निर्माण को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में रामगंज मंडी से कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद बैसला व उपाध्यक्ष गोपाल गर्ग ने शिरकत की। जयपुर से आए रीको के एमडी एमआर जानी व कोटा जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक राजीव गर्ग मौजूद रहे। समाजसेवी और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमित धारीवाल को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकम चंद वर्मा ने माला और साफा पहनाकर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कोटा उत्तर अनिल सुवालका और ओबीसी जिलाध्यक्ष विनोद पारित और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित। राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकम चंद वर्मा ने भेंट की। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बोनकर से शिष्टाचार भेंट की। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशोरपुरा के बाकिया गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिवर्स वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। झालावाड़ के डग कस्बे के गायत्री मंदिर परिसर में 24 कुंडीय नव चेतना यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर शांति कुंज हरिद्वार से आए लोगों ने गायत्री मंदिर परिसर में यज्ञ का आयोजन करवाया। बारह में सखी क्लब ने सभी सखियों के गुलाल तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। सभी ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर फागोत्सव की शुभकामनाएं। बारह के किशनगंज कस्बे में किसान सेवा केंद्र सह विलेज नॉलेज सेंटर पर पिछले 10 सालों से ताला लटका हुआ है। इसका निर्माण 2013-2014 में ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था, जिसके निर्माण में 5,83,000 रुपए निर्माण कार्य पर खर्च हुए। निर्माण के बाद से आज तक इसका ताला भी नहीं खुला। बारह में कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर वाणिज्यिक कोर्ट के आदेश पर राज सीड्स कॉरपोरेशन के प्रबंधक ऑफिस को सीज किया गया। मौके पर पहुंची टीम ने ऑफिस पर ताला लगाकर वहां सील लगा दी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर और एवं पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासन, कानून और शांति व्यवस्था, बजट घोषणाओं एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारा के किशनगंज कस्बे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण फिर गलत जगह हो रहा है। 20 वर्ष पूर्व भी 10 लाख की लागत से बाबा जी के बाग में बनाया गया सामुदायिक भवन अनुपयोगी साबित होकर खंडहर हो रहा है।
भाजपा किसान मोर्चा जिला 12 की जिला बैठक चरजाना राम तलाई बालाजी धाम पर संपन्न हुई, जहां नमो किसान सम्मान निधि दिवस के अवसर पर कई किसानों को भाजपा किसान मोर्चा द्वारा सम्मानित किया गया। बैठक में 13 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया। किशनगंज थाना क्षेत्र के फल्दी गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक नशीली दवा के सेवन से अचेत हो गया। परिजनों ने युवक को किशनगंज चिकित्सालय में भर्ती कराया। हालत युवक की गंभीर बताई जा रही है। किशनगंज में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। कस्बे के रानी बड़ौद जलदाय विभाग कार्यालय के समीप पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, आमजन को राहत मिलेगी। कोटा के लाजपुरा में डीजीपी के निर्देशों पर पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा। अभियान के अंतर्गत सोशल मीडिया पर अपराधियों से प्रभावित होकर भ्रमित हो चुके युवाओं के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है। रामगंज मंडी में पुलिस 11 व एडवोकेट 11 के बीच क्रिकेट का मैत्री मैच खेला गया, जिसमें पुलिस टीम ने वकीलों की टीम को करारी शिकस्त दी। पहले खेलते हुए पुलिस 11 ने 12 ओवर में 143 रन बनाए, तो वहीं एडवोकेट 11 72 रन ही बना सकी। पुलिस 11 की तरफ से महेंद्र सिंह झाला ने 5 छक्के व 4 चौके लगाकर सर्वाधिक 60 रन बनाए, तो वहीं झाला ने 5 विकेट भी चटके। झाला को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। कोटा रेल मंडल में अब छोटे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। अमृत भारत योजना में कोटा मंडल के 17 स्टेशनों का चयन किया गया। 12 के अंत में पूर्व विधायक सहित 11 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। राजकार्य में बाधा और सरकारी काम में रुकावट करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया। झलावाड़ की पड़ावा की सारंगा खेड़ा गौशाला में 7 दिवसीय भागवत कथा का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर महाप्रसादी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसादी ग्रहण। झालावाड़ और मध्य प्रदेश के मंदसौर पुलिस अधिकारियों की बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों सीमाओं के कई मुद्दे मीटिंग में लिए गए। आगामी चुनाव महत्वपूर्ण त्योहारों के संबंध में राजस्थान मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र में कानून व्यवस्था आदि की जानकारी और नाकाबंदी के स्थानों के बारे में भी चर्चा की। बूंदी जिला कलेक्टर की ओर से कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि कार्यक्रम के जरिए आमजन से ग्राउंड लेवल का फीडबैक प्रशासनिक अधिकारियों को मिल सके। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के भावी चिकित्सकों को अध्ययन के लिए कोटा की संस्था से मिल रही मृत देह मरणोपरांत देह को मेडिकल कॉलेज को सौंप कर अमर। झालावाड़ के बकानी में गुरुकुल सेवा संस्थान के तत्वाधान में निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 135 रोगियों का पंजीयन किया गया। झालावाड़ के पड़ावा में फसलों के सूखने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजर रही है, जिसकी पलटी खाने से हादसे की संभावना बनी हुई है। इनकी रोकथाम के लिए जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी कर रहे तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 53 कौवे अवैध देशी शराब को भी बरामद। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में राष्ट्रीय परशुराम सेना ने गत दिनों भगवान परशुराम की प्रतिमा को खंडित करने पर विरोध जताया। उदयपुर जिले के गोगुंदा में समाज कंटकों द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा को खंडित किया गया था। बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट 2023 मोटे अनाज प्रसंस्करण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में महिलाओं ने प्रशिक्षण में इस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया। रामगंज मंडी के अलोद गांव में अचानक भारी तादाद में बंदरों का समूह आ गया। इन बंदरों को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे पिंजरों में बंद करके कोई अज्ञात व्यक्ति गांव के समीप छोड़ गया। 12 के सिसवाली क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिसाया में वार्षिकोत्सव और विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच युगल कुमारी मीणा रहे। अकलेरा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ताओं को पहुंचने को लेकर क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। चलिए नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। नागौर के बिरता सिटी के निकटवर्ती ग्राम कात्यासनी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गांव के नाड़ी गोचर भूमि पर अतिक्रमण शिकायत की। ग्रामीणों ने गोचर भूमि का नाप कटवाकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। लाडरू में होली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में गूंजने लगी फागुन गीतों की स्वर लहरियां। चंग की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे। भीलवाड़ा में डीजे पर गाने बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। करीब एक दर्जन लोगों ने गांव के एक परिवार पर हमला कर दिया।
नागौर के मुंडवा में होली पर्व का शुभारंभ चारभुजा के चौक में विधिवत रूप से किया गया। गाजेबाजे के साथ रंग रंगे तनी बांधकर पूजन किया गया। अजमेर की बिनाई में ब्लॉक कांग्रेस मंडल नागौरा और बिनाई की बैठक आयोजित की गई। देवलिया कला में मंडल अध्यक्ष चंपालाल बैरवा और गिरधारी गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। नागौर के जायल में अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रूपिंदर सिंह ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। नागौर की मिर्ता सिटी के पंचायत समिति कार्यालय में पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को लेकर किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसान सम्मान निधि के 4 वर्ष पूरे पर मन की बात के कार्यक्रम को भव्यता से आयोजित किया गया। नागौर में आशा सहयोगिनियों को खंड चिकित्सा अधिकारी के मार्फत नोटिस जारी। शून्य प्रगति वाली 48 और न्यून प्रगति वाली 214 सहयोगिनियों को नोटिस दिया गया। ब्यावर में कॉलेज शिक्षा में संयुक्त निदेशक के पद पर आरएएस की नियुक्ति का अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विरोध किया। आरएएस की नियुक्ति संबंधी आदेशों को निरस्त करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शाखा ब्यावर के सदस्यों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने ठीकराना गुजराम गांव में बरसाती नाले से मिट्टी निकालने के मामले को लेकर गोली चलाने वाले वृद्ध को गिरफ्तार कर लिया। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट पर बालाजी बगीचे में स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। ब्यावर के राजकीय पटेल स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटेल स्कूल के सभागार में आयोजित वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक शंकर सिंह रावत ने शिरकत की। नागौर के लाडू में नगर पालिका की लापरवाही के कारण दिन में उजाला तो कहीं रात में अंधेरा। कुम्हारों के मोहल्ले में दिन में ही रोड लाइटें जल रही। नागौर के मकराना के गांव बोरावड़ में एक मनचले ने कॉलेज छात्रा पर एसिड डालने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद युवक शोएल ने जान पर खेल छात्रा को एसिड अटैक से बचाया। ब्यावर शहर के सबसे बड़े राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में आज चिकित्सकों की कमी के कारण आउटडोर की सेवाएं प्रभावित रही। इस दौरान आउटडोर कक्ष के बाहर रोगियों की भीड़ भी लगी दिखाई। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बौली क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद मित्रपुरा थाना पुलिस एक्शन में है। मित्रपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरा हुआ एक डंपर एक ट्रॉली जब्त। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बसेड़ी रोड से 2 मोबाइल छीनने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक चौधरी द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत बाड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदाभिम नगर पालिका परिसर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम पाओ अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के वंचित परिवार इस योजना के तहत काम करना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। उदाभिम के राजकीय महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के तत्वाधान में आरएएस अधिकारी को संयुक्त निदेशक बनाने के विरोध में सभी व्याख्याताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। टोडाभी में महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री ने जनसंपर्क किया। जयपुर में 28 फरवरी को आयोजित होने वाले राजस्थान विधानसभा के घेराव को लेकर महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री ने श्री महावीर जी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। मथुरा के गोकुल रमन रेती आश्रम में राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ भक्तजन और साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली खेली। ब्रज की होली की झांकियां के कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए। सवाईमाधोपुर के लोधीपुरा में किसान के बेटे ने ईमानदारी का परिचय देते हुए रेलवे लाइन के नजदीक मिले बैग को जिला कारागृह में पहुंचाया। भरतपुर के वैर में थाना प्रभारी प्रेम सिंह भास्कर ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक और मंचलों पर नकेल कसने के लिए गश्त व्यवस्था में कई बदलाव किए। भरतपुर के वैर स्थित सैनी धर्मशाला में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अधिशासी अधिकारी मयूर ध्वज शर्मा रहे। धौलपुर में पुलिस द्वारा ऑपरेशन गार्जियन चलाया जा रहा। सोशल मीडिया पर बदमाश और गैंगस्टर को फॉलो कर रहे युवाओं को सही राह दिखाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में प्रदेश के शिक्षा विभाग के निर्देश पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। ब्लॉक के 35 पीईओ और 1 यूसीओ को ट्रेनिंग दी जा रही है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास पर मैरिज होम के बाहर से 2 दिन पहले बाइक हुई थी चोरी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की बाइक सहित आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।
भरतपुर में पार्किंग को लेकर दो पक्षों में झगड़े का मामला है सामने। दो होटल मालिकों के बीच झगड़ा हुआ था। धौलपुर के सैपोयू के चितौरा में महिलाओं ने पानी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करती महिलाओं ने बताया कि जल जीवन के तहत बनी पानी की टंकी सिर्फ शोपीस बनकर रह गई। धौलपुर के सैपो क्षेत्र में पार्वती पुल से एक युवक बाइक सहित नदी में कूदा। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलारना डूंगर राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर एबीवीपी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की कॉलेज प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते कार्यक्रम महल औपचारिक बनकर रह गया। धौलपुर के सैपो के राजोरा कला में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ कर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिला और अन्य श्रद्धालु ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रवीम के नादौती क्षेत्र में नशा मुक्ति और देश सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सैनिकों की ओर से 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस सेवा दल महासचिव आरती मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।